विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान मुंगेर के विधि छात्रों का इस ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था पर स्वागत है। वर्तमान परिस्थितियां काफ़ी दुखद हैं, दुविधापूर्ण हैं। कोई नहीं जानता कैसे हम लोग इस परिस्थितियों से निकलेंगे। आज हम लोग ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, एक भय व्याप्त हो गया है। बीमारी तो बाद की चीज है, लेकिन भय इतना व्याप्त हो चुका है कि सभी लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। दुबके रहना भी है, क्योंकि जब तक आप घरों में नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे। सरकार भी जन धन मन की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। ऐसी स्थिति में हमें याद है कि मार्च में LLB पार्ट वन सेमेस्टर वन, LLB पार्ट टू सेमेस्टर थ्री, इस दोनों की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने का भी समय निकल गया था। परीक्षा होने वाली थी, हम लोग तैयार थे परीक्षा देने के लिए, हमारे बच्चे अच्छी तरह से तैयार हो गए थे एग्जाम देने के लिए, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। और इन बदली हुई परिस्थितियों में 2 महीने तक हमें पता ही नहीं चला कि हम किन वहापोह की स्थितियों में जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे मुंगेर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय ने, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि सभी विभाग अपने अपने बच्चों के लिए एक वीडियो पर पढ़ाई की व्यवस्था करें और उसको मुंगेर विश्वविद्यालय के वीडियो पर डाला जाए। इसी के तहत मैं अपने बच्चों के लिए पढ़ाई की एक व्यवस्था, एक रिवीजन करने के लिए, परीक्षा के लिए तो हम लोग तैयार ही थे, रिवीजन करने के लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बार हम और आपसे रूबरू हो जाएं, इस YouTube के माध्यम से इसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आज ये पहला वीडियो जारी होगा, ये LLB पार्ट वन सेमेस्टर वन के बच्चों के लिए, जो 2019-20 में विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान में नामांकन कराए हैं। उन बच्चों का पढ़ाई के संदर्भ में मैंने बताया था कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, ये बातें भी मैंने क्लास में बताई थी, हमारे सभी शिक्षकों ने बताया था। आज मैं पुनः उन बातों पर प्रकाश डालता हूं। आपको मालूम है कि LLB पार्ट वन सेमेस्टर वन में सबसे पहला पेपर क्या है, ज्यूरिसप्रूडेंस, विधि शास्त्र। विधि शास्त्र जिसके विषय में मैंने बताया था, किसको हम लोग 3 अलग अलग भागों में तोड़ते हैं। एक, विधि का विकास कैसे हुआ, विधि क्या है, विधि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ती है, इसके ऊपर अलग अलग समय में विधि वेत्ताओं का, जूरिस्ट का क्या ओपिनियन है। दूसरी परिस्थिति में, दूसरे पार्ट में हम देखते हैं कि विधि का स्रोत क्या है, विधि किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाएं विधि का रूप धारण कर लेती हैं, और जिसे हम प्रथागत विधि के नाम से जानते हैं, कस्टमरी लॉ के नाम से जानते हैं। तीसरी व्यवस्था में मैंने आपको बताया था द एलिमेंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। एलिमेंट ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस में मैंने बताया था कि राइट्स है, ड्यूटीज है, पर्सन है, पर्सनालिटी है, ठीक है, पोजिशन है, ऑनरशिप है, प्रॉपर्टी। अब ये तमाम बातें जो हैं, ये जो हम ज्यूरिसप्रूडेंस के प्रॉपर्टी और एलिमेंट के रूप में देख रहे हैं, ये 3 भाग में बांट करके हमको तैयारी करनी थी। आपको याद है कि मैंने क्लास में ये सभी चीजों से संबंधित कई सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को मैंने लिखाया था। उन ऑब्जेक्टिव्स को आपको मैंने कहा था कि इसको आप देखिए, थोड़ो स्टडी कीजिए, जिससे आने वाले समय में कंपिटिटिव एग्जाम में भी आपको फायदा हो। आज हम लोग सबसे पहले ज्यूरिसप्रूडेंस के एक प्रश्न पर विचार करें। आपको मालूम है कि डिफरेंट जूरिस्ट, इसमें हमने आपको बताया था कि नेचुरल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस या नेचुरल लॉ जिसको आप कहते हैं, वह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। आज पहले वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज के दृष्टिकोण में नेचुरल लॉ नेचुरल जस्टिस के रूप में आपके सामने है, और प्रत्येक व्यक्ति नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है।
तो हम लोग नेचर में के द्वारा पैदा हुए पहले नेचुरल लॉ को जाने, फिर उसके बाद हम लोगों ने हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखा, एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखा, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखा। तो सबसे करेंट कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इसमें एक इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हुए डीन रास्को पॉन्ट। पॉन्ट का नाम आपने सुना है, आपने क्लास में भी पढ़ा है कि डीन रास्को पॉन्ट ने सामाजिक व्यवस्था को एक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में देखा, यांत्रिकी के कॉन्सेप्ट में देखा। कैसे देखा? रियल में ये डीन रास्को पॉन्ट जो थे, इनका जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था अमेरिका में। अब सोचने वाली बात है कि अमेरिका में एक जगह है नेब्रास्का, वहां पर लिंकन नामक जगह पर इनका जन्म हुआ। ये जब युवावस्था में आए तो इनको बॉटनी से बड़ा लगाव था, वनस्पति शास्त्र की ओर बड़ा ही घींचे चले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी सोच सामाजिक परिवेश में आई और सामाजिक परिवेश में इन्होंने देखा कि समाज में विधि का क्या योगदान है, ये विधि समाज के लिए कैसे उपयोगी है, और इन्होंने प्रेरणा स्रोत बनाया इहरिंग को। इहरिंग वही जुरिस्ट हैं जिनको हम लोग समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का जनक मानते हैं, फादर मानते हैं। उन्होंने पहली बार ये बात किया कि भैया सोशल इंटरेस्ट में अगर लॉ नहीं है तो इस लॉ का यूज क्या है, इसलिए सोशल इंटरेस्ट की बात पहली बार इहरिंग ने किया। एक कॉन्सेप्ट दिया इहरिंग ने और उसी कॉन्सेप्ट को डीन रास्को पॉन्ड ने क्या किया, आगे बढ़ाया, प्रैक्टिकल अप्रोच दिया और कहा कि बगैर सोशल इंटरेस्ट को देखे हुए विधि का कोई महत्व नहीं। क्यों? बोला आप जो विधि बनाते हैं विधि का काम क्या है? बोला विधि का काम है किसी भी सभ्यता का विकास करना। बोला सभ्यता का विकास का मतलब? बोला हम जिस समाज में जिस व्यवस्था में रहते हैं हमें प्रतिदिन सृष्टि से नेचर से संघर्ष करना पड़ता है, आज ये परिस्थिति है कल वो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों में मानव किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित संरक्षित नियंत्रित रखते हुए आगे बढ़े, यानी सभ्यता का किस प्रकार से विकास हो, क्योंकि मानव जैसे जैसे विकास करेगा सभ्यता का उसी प्रकार से विधि भी उसके साथ साथ विकसित होती चली जाएगी। तो ये डीन रास्को पॉन्ड साहब जो थे, इन्होंने इस बात को समझा और कहा कि व्यक्ति की सोच क्या है, हमारी आवश्यकता है, हमारी ये मांग है। ध्यान देंगे आप, हमारे दिल में इच्छा पैदा होती है, वो आवश्यकता बनती है, आवश्यकता डिमांड बनता है, और हम जो चाहते हैं विधि उसको अवरुद्ध नहीं कर सकती है, विधि उसको संरक्षित करती है, यानी हमारी मांग हमारा हित है, हमारा इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कौन करता है? लॉ करता है, विधि करती है। इसका मतलब यह हो गया कि डीन रास्को पॉन्ड ने माना कि भाई समाज में जो इंटरेस्ट है, जो हित है, जो सामाजिक हित है, जो व्यक्तिगत हित है, उसको किस प्रकार हम प्रोटेक्ट करें, और विधि का काम उसी को प्रोटेक्ट करना है और उसको इस प्रकार से नियंत्रित करना है कि आपस में लोगों के हितों में टकराव ना हो। ये इसके लिए डीन रास्को पॉन्ड ने न्यायिक आधार तत्व के बारे में बात की, ज्यूरल पोस्टुलेट्स। बोला न्यायिक आधार तत्व क्या है? बोला न्यायिक आधार तत्व यही मानवीय इच्छाएं आकांक्षाएं आवश्यकताएं मांग हैं, जो हम मांगते हैं, जो मेरा डिमांड है, और ये डिमांड हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। इसी के लिए उन्होंने 1919 में इंटरेस्ट को तीन भाग में बांटा। पहले कहा
पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हित, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हित, और तीसरा सोशल इंटरेस्ट, सामाजिक हित। व्यक्तिगत हित क्या होता है? हम चाहते हैं कि भाई हमको खाना मिले, हमारी नेसेसिटीज पूरी हो, हमारी प्रतिष्ठा रक्षक जो बातें हैं वो पूरी हो, हमारी एकांतता का जो अधिकार है, हमारी शिक्षा का अधिकार है, हमारा निजी अधिकार है, इन अधिकारों की पूर्ति हो, ये हमारा व्यक्तिगत हित है। सार्वजनिक हित क्या है? सार्वजनिक हित वो है जिससे सर्वसाधारण को संरक्षित किया जाता है विधि के द्वारा, ये सार्वजनिक हित है। सामाजिक हित क्या है? बोला समाज में जो परंपराएं हैं उनको कायम रखा, जैसे विवाह है, मैरिज है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको बरकरार रखा जाए, समाज में शांति व्यवस्था बरकरार रखा जाए। समस्या यह है कि डीन टास्को पॉन्ड ने तीन इंटरेस्ट का बात किया, इंडिविजुअल, सोशल एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ये तीन इंटरेस्ट जब है तो ऑटोमेटिक इसमें आपस में कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें टकराव होगा, और जब टकराव होगा तो अशांति होगी, और अशांति होगी तो समृद्धि नहीं हो सकती, आप आगे नहीं बढ़ सकते, सभ्यता का विकास नहीं हो सकता है। सभ्यता का विकास तभी संभव है जब हितों का टकराव कम से कम हो, शांति व्यवस्था कायम रहे, और इसी के लिए विधि सामने आती है, कानून सामने आता है। अब सवाल यह उठता है कि ये जो तीन इंटरेस्ट है इसमें कम से कम किस प्रकार से टकराव हो, लोगों का हित सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने कानूनी विधि सम्मत तकनीक अपनाने की बात की, यानी उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को और सामाजिक इंटरेस्ट को और सामाजिक जो हमारी आवश्यकता है उसको एक तकनीक के रूप में विकसित किया, किस प्रकार से हम तकनीक बना लें विधि में जिससे ये इंटरेस्ट आपस में कम से कम टकराए, और यहीं से आरंभ हुआ तकनीक शब्द जिसको उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जाना, यानी सामाजिक यांत्रिकी। उन्होंने माना कि विधि एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके हम समाज में हितों के टकराव को रोक सकते हैं। सवाल यह उठता है कि हितों के टकराव को रोकने के लिए हमें करना क्या होगा? तो उन्होंने, मैंने बताया आपको, 1919 में उन्होंने जूरल पोस्टुलेट्स बताया, न्यायिक आधार तत्वों के बारे में बात की, और उसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक सभ्य समाज में व्यक्ति की क्या आकांक्षाएं हैं, क्या अभिलाषाएं हैं, उसका अध्ययन करना होगा। मुख्य मुख्य बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला कि व्यक्ति यह चाहता है कि कोई आदमी उसके ऊपर अचानक आक्रमण नहीं कर दे, एक सभ्य समाज में लोगों की यह चाह रहती है कि मैंने जो मेहनत से कमाया है, नौकरी करके जो संपत्ति अर्जित की है मेहनत करके, वो मेरे पास सुरक्षित रहे। कोई आदमी अगर कोई काम कर रहा है तो वो इस तरह से करे कि उससे दूसरों को नुकसान नहीं। एक सभ्य समाज में लोग ये अभिलाषा करते हैं, लोग ये आकांक्षा करते हैं, लोगों की एक सोच होती है कि हमारे ऊपर, हमारे समानों के ऊपर कोई आदमी बुरी दृष्टि ना डाले, उसको हमसे छीने नहीं, हमें हमारे काम में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं हो। लीगल वर्क, अब इलीगल वर्क करेंगे तो व्यवधान तो कानून ही खड़ा हो जाएगा इलीगल वर्क के लिए। और उन्हीं आधार तत्वों में से उन्होंने कहा कि एक सभ्य समाज में अगर कोई व्यक्ति अपने पास ऐसी कोई चीज रखता है जो उसके संरक्षण से भाग सकता है, उड़ सकता है, निकल सकता है और समाज को नुकसान पहुंचा सकता है,
भोपाल गैस त्रासदी आप भूले नहीं होंगे। अब कोई आदमी अपने यहां बड़ा सा कुत्ता पाल लिया और वो कुत्ता को सही ढंग से नहीं रखा और खुल गया कुत्ता, समाज में दौड़ने लगा और लोगों को काट लिया। तो एक सभ्य समाज में यह आधारभूत तत्व के रूप में आकांक्षा की जाती है कि अगर आप इस तरह के किसी चीज को रखते हैं अपने पास, अपने कब्जे में, उसे इस तरह से रखें वो समाज को नुकसान ना पहुंचाए। ये तमाम आधार तत्व 1919 में डीन रास्को पॉन्ड ने सामने लाया। डीन रास्को पॉन्ड, मैंने बताया कि आपको शुरू में वो बॉटनी के प्रति बहुत जागरूक थे, बाद में नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में ही वो लॉ के डीन हो गए 1903 में। फिर 1916 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो लॉ के प्रोफेसर हो गए और 1916 से 1936 तक 1916 to 1936 वो कंप्लीट वहीं रहे। और इस बीच में उन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में काफी कुछ अध्ययन किया, लिखा, जो हार्वर्ड लॉ रिव्यू में छपता रहा। उन्होंने काफी अध्ययन किया और उनका यह मानना था कि पहले जो वर्तमान में आज विधियां हैं हम उनका अध्ययन करें, उसके बाद हम ये अध्ययन करें कि समाज में लोगों का व्यवहार कैसा है, वो क्या चाहते हैं और उनकी चाहत, उनकी मांग, उनकी आवश्यकता, उनकी डिमांड के अनुरूप विधियां कितनी सहायक है। और उसमें हम क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी फिर से उसको रीस्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं, यानी तीन फेज में उन्होंने विधियों को समाज के दृष्टिकोण से तैयार करने की वकालत की। तो इन्हीं इसी के तहत 1919 में जब उन्होंने अपना पोस्टुलेट्स दिया, आधार तत्व दिया, जूरल पोस्टुलेट्स के रूप में बताया कि सभ्य समाज में लोगों की आकांक्षाएं क्या है, क्या उनकी उम्मीदें हैं। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा, 1942 तक में उन्होंने देखा कि भाई ऐसा है कि परिस्थितियां बदली, समय बदला और ऐसी स्थिति में सिर्फ इतनी ही आकांक्षाएं या अपेक्षाएं समाज से लोगों को नहीं है बल्कि इससे ज्यादा है क्या। तो लोग ये समझने लगे, अब आप के सामने आया बात कि सब लोग चाहता है कि मुझे नौकरी की सुरक्षा मिले, मुझे नौकरी मिले और उसकी सुरक्षा मिले। प्रत्येक अधेड़ उम्र के लोग ये सोचने लगे कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मुझे क्या सुरक्षा मिलेगी। वृद्धा पेंशन आया, इसके बाद लोगों की आकांक्षाएं ये हुई कि हम कहां काम करते हैं हमें सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन आया। तो ये तमाम जूरल पोस्टुलेट्स भी उसमें जोड़ दिया गया जो 1919 में उन्होंने दिया था, और 1942 में फिर इनके साथ तीन और पोस्टुलेट्स उन्होंने जोड़ दिया। और उनका मानना था कि व्यक्ति क्रियाशील है, व्यक्ति जीवंत है, उसकी सोच चलती रहती है, वो सभ्यता का विकास करता रहता है, और जैसे जैसे वो सभ्यता का विकास करता चला जाता है वैसे वैसे विधि भी उसके साथ साथ विकास करती चली जाती है, परिस्थितियां बदलती है, विधि को भी समाज के अनुरूप बदलते चला जाना चाहिए। और इसी तकनीक को उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग कहा, यानी समाज के हितों के अनुरूप विधि को अपने तकनीकों में परिवर्तन करना होगा, जो विधियां किसी काम की नहीं है उन विधियों को निरस्त कर दिया जाए। आपने देखा होगा कि आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले चले जाइए, उस वक्त नेचुरल जस्टिस की इतनी बातें नहीं होती थी, प्राकृतिक न्याय की इतनी बातें नहीं होती थी। आज प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक न्याय के प्रति जागरूक है, नेचुरल जस्टिस के प्रति जागरूक है, और जहां नेचुरल जस्टिस है वहां नेचुरल लॉ है।
इसका मतलब हर कानून में, हर विधि के बैक में नेचुरल लॉ खड़ा है। इसलिए लोग नेचुरल जस्टिस की मांग करते हैं, अपने प्राकृतिक अधिकारों की मांग करते हैं। इसकी महत्ता बढ़ी, क्यों बढ़ी? क्योंकि समाज ने इसका डिमांड किया, और समाज ने जैसे इसका डिमांड किया इसकी महत्ता बढ़ती चली। तो इस प्रकार से समाज के हितों को देखते हुए विधि को किस रूप में सामने रखना है, और विधि एक तकनीक के रूप में सामाजिक नियंत्रण की कार्य को किस प्रकार करती है जिससे हितों में कम से कम टकराव हो। किसका कैसा हित? बोला व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित। व्यक्तिगत हितों को इस प्रकार एकीकृत कर देना है, एक इस प्रकार से कंसोलिडेट कर देना है, वो सोशल इंटरेस्ट हो जाए, क्योंकि सोशल इंटरेस्ट किसी भी व्यक्ति के इंटरेस्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जहां नेशन का इंटरेस्ट आ जाएगा, जहां पब्लिक का इंटरेस्ट आ जाएगा, वहां पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम पब्लिक इंटरेस्ट को देंगे। तो इस प्रकार से इंटरेस्ट को किस प्रकार संरक्षित करना है, इसके ऊपर सामाजिक दृष्टिकोण से डीन डास्को पॉन्ड ने अपना विचार रखा। लेकिन ऐसा कभी हुआ है क्या कि कोई आदमी अपना विचार रखे और उसकी आलोचना ना हो? मैंने आपको पहले भी कहा है कि इकोनॉमिक्स में मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने कहा था कि जहां 6 अर्थशास्त्री आते हैं वहां पर 60 डिफिनेशन हो जाता है इकोनॉमिक्स का। तो जहां विद्वानों का मेला है वहां पर आलोचना तो होगी, आलोचना होगी तभी निखरेगा, तभी नई विधि सामने आएगी, तभी नई बातें सामने आएंगी। इनकी भी आलोचना की, इनके विषय में कहा गया कि साहब ये तो आदमी को जो है मशीन बना दिए, आदमी को ये समझते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल, इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पुल है क्या? आदमी पुल तो भैया बोलता नहीं है, सोचता नहीं है, डिमांड नहीं करता है, वो स्थूल है। आदमी तो क्रियाशील है, सोचता है। तो आप आदमी के ऊपर इंजीनियरिंग का प्रयोग कैसे कर रहे हैं? ये तो गलत है, ये आपकी सोच सही नहीं है। और आप किस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? जिस समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर लोग बटे हुए हों, वहां पर आप सामाजिक हितों की बात कैसे करेंगे? एक समाज में तो सभी तरह के लोग हैं, सब अपना अपना इंटरेस्ट देखने लगता, फिर सामाजिक इंटरेस्ट का क्या होगा? ऐसी स्थिति में अमेरिका और इंग्लैंड और भारत जैसे देशों के साथ तो समस्या है। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने गलत दिया। लेकिन नहीं, आलोचक अपनी जगह आलोचना करने के लिए समर्थ हैं, सक्षम हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि डीन डास्को पॉन्ड ने इहरिंग के विचारों को आगे बढ़ाया, सोशल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिया, और समाज के हितों के लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसी लकीर खड़ी कर दी जिसके ऊपर आगे विधि शास्त्री अपनी बात रखते जाएंगे, और मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ विधि भी सामाजिक हितों को संरक्षक के रूप में आगे बढ़ती चली जाएगी। इसलिए इनके अनुदानों को, इनके व्यवस्थाओं को हम सराहते हैं, हम मानते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट के अंदर हम समाज के हितों की बात करते हैं, और समाज का हित ही सर्वोपरि है। जब तक समाज सुरक्षित नहीं है, संरक्षित नहीं है, तब तक किसी भी कीमत पर विधि का कोई तारतम्य, कोई फायदा, कोई महत्व नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि हम लोग ये जो क्वेश्चन तैयार करेंगे सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर, डीन डास्को पॉन्ड ने सोशल इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया इसके ऊपर आपको क्वेश्चन तैयार करना है, कैसे कीजिएगा? मैंने आपको क्लास में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आप पैरा बांटें। द फर्स्ट पैरा इज इंट्रोडक्शन, जिसमें बताएंगे वो कब जन्म लिए, उनका क्या योगदान था, उन्होंने क्या क्या किया। सेकेंड पैरा में हम बताएंगे कि इन्होंने क्यों ये कॉन्सेप्ट चुना सोशल इंजीनियरिंग का, और तीसरे पैरा में सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जूरल पोस्टुलेट्स क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे। चौथे पैरा में हम इनके योगदान पर चर्चा करेंगे, और पांचवा में इनकी आलोचना करेंगे, और छठा में कंक्लूजन देंगे। इस प्रकार से आप क्वेश्चन तैयार करें, तकरीबन मैं समझता हूं 5 से 6 पेजेस का क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, पढ़ लें,
मैंने पहले भी आपको बहुत सारा चीज पढ़ाया है और लिखाया है, तो उसके आधार पर आप प्रश्न को तैयार करें। अगला वीडियो जुरिस्प्रूडेंस पर राइट्स एंड ड्यूटीज पर होगा। राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव, डिस्कस, इसको पढ़ के आएंगे तब आपको जो बात समझ में आएगी ज्यादा आएगी, और आपने पहले भी पढ़ा है क्वेश्चन, तो हमको लगता है आप लोग याद भी कर लिए होंगे। फिर भी आपसे हमारा ये बात हुआ, अंत में मैं आपको फिर सलाह दूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और पढ़ाई पर ध्यान दें। विद्या विधि को बलवान बनाती है, जो विद्वान होते हैं वही विधि का पालन करते हैं, इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि आप विधि के विद्यार्थी हैं, आप विधि का पालन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें।